तरफ बीजेपी के लोग 400 के पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ व्यवहार में जिस तरह से घबराहट दिखाई दे रही है, जिन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर देने की बात कही गई, जिन लोगों ने क्या कुछ बाकी नहीं छोड़ा, और उन सबको आप एक एक करके किसी भी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, अपने हाथों से उनको ताज पहना रहे हैं, ये हताशा का घोतक है। असलियत कुछ और है। ढाल का काम हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है। वास्तविक परिदृश्य जो जनता के बीच में है, विश्वास खो चुकी है केंद्र की सरकार। आज भारतवर्ष की जनता निराश है। 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश डूब चुका है और सबको पता है कि इस कर्ज में 150 लाख करोड़ रुपया मात्र 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में आया। जो देश की ताकत थी, पूंजी थी, संपदा थी, उसको लगातार बंधक रखा जा रहा। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही, पोत बेचे जा रहे हैं, बंदरगाहें बेची जा रही, बिजली प्राइवेट हाथों को दी जा रही, बैंकों का बुरा हाल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी हताशा में है। और वो कहती कुछ है, आपके पास कला है, हमारे गोदी मीडिया के लोग गाजर के हलवे को गोबर बता रहे हैं और गोबर को देसी घी में बघाड़ा हुआ हलवा बता रहे हैं। सांसद जी, ये बताएं 2019 से इस बार 2024 का चुनाव किस तरह से भिन्न नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार आपके साथ सपा बसपा का गठबंधन था और इस बार का इंडिया गठबंधन टूटता है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ी तो बड़ी सीटों पर 64 सीटें एक तरफ और मात्र 16 सीटें विपक्ष में, कांग्रेस, सपा और बसपा, जिसमें बसपा के खाते में 10, सपा के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। तो ये नारा देना कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80, धरातल पर ये सच्चाई नहीं है। गाजीपुर लोकसभा में क्या करेंगे? गाजीपुर की लड़ाई पहले आने तो दीजिए, कौन आएगा? आप मेरा नाम तो किसी सूची में देख लिए, गाजीपुर के जनता के दिलों में भी झांक के देखिएगा तो मिलेगा। बड़ा षड्यंत्र किया गया कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लड़ने योग्य न छोड़ा जाए और षड्यंत्र करके मेरे पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई, लेकिन कानून के रास्ते से ही इन बेड़ी को और इन हथकड़ियों को खोलने का काम हमने न्यायपालिका के माध्यम से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो सजा का आदेश था वो निलंबित हुआ और इस प्रकार मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और जो मुझे चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था मुझे फिर योग्य मान लिया गया, योग्य बना दिया गया। तो अब परेशान ये लोग हैं, ये कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी इंद्रलोक के मालिक फेरा लगाने चले आते हैं। लेकिन अभी भी फैसले की तलवार लटकी हुई है हाईकोर्ट में। नहीं, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं और मैं अब तक 5-6 डेट पढ़ चुकी, हर डेट पे मेरे वकील खड़े होते हैं, हमें बेसब्री से इंतजार है उस घड़ी का कि मेरी अपील का भी फाइनल डिस्पोजल हो। मैं बेदाग छवि का इंसान हूं और बेदाग ही रहना और मरना भी पसंद करूंगा।